अगर तुम्हें कभी भी चाहिए कि लड़कियां तुम्हें अटेंशन दें, तो ये चीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी अपनी लाइफ के अंदर। नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है? आज मैं एक सवाल का जवाब देने वाला हूं जो एक कमेंट में आया था इन वन ऑफ माय रीसेंट वीडियोस, विच वाज हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग, कि एक रिलेशनशिप को लंबी देर के लिए कैसे चलाएं, और उसका मैं लिंक यहाँ कहीं डाल दूंगा। उस पर सवाल आया था अमन या अमित नाम के लड़के का, कि हाउ टू बी सिंगल एंड हैप्पी। और आज मेरे को मेरे पुराने घर जैसी फील आ रही है कि मैं ट्राईपोर्ड के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन एनीवे, मैं बता रहा था आपको कि उसका ये सवाल था, और उसके बाद एक और लड़का था जिसका इससे रिलेटेड एक सवाल आया कि मैं 25 साल का हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा अटेंशन एनर्जी फोकस अभी काम पे है, मेरा पैशन है, मैं कमाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, तो क्या मैं इस सबके बीच में गर्लफ्रेंड लाऊँ या ना लाऊँ? क्या वो सब कुछ बर्बाद कर देगा? क्या मेरी अटेंशन एनर्जी सब कुछ उधर जाएगी? हाउ टू बी सिंगल एंड हैप्पी दो अलग सवाल है। एक हो गया हाउ टू बी सिंगल एंड नॉट क्रेव अटेंशन फ्रॉम विमेन, और दूसरा हो गया हाउ टू बी हैप्पी। और हाउ टू बी हैप्पी वाला जो सवाल है वो ज्यादा बड़ा सवाल है, ठीक है, क्योंकि वो जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए ना जरूरी है कि तुम सिंगल हो या कमिटेड हो, ना जरूरी है कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो कि तुम इंट्रोवर्ट हो, ना जरूरी है कि तुम गरीब हो या अमीर हो। हाउ टू बी हैप्पी जवाब देने के लिए, हैप्पीनेस मेरे मुताबिक आज की दुनिया में एक स्टेट ऑफ बैलेंस है, जहां पे तुम अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेट ऑफ बैलेंस में हो, जिसकी वजह से तुम्हारी अलग अलग नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, और थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी तुम रख पा रहे हो कि ये दुनिया एंड में लंबी चौड़ी मोहमाया है, और उस मोहमाया के बीच में किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये छोटा जवाब था मेरा हाउ टू बी हैप्पी वाले सवाल के लिए, क्योंकि हैप्पीनेस तब आ जाएगी अलग अलग लेवल्स पे। एक हो गया अगर तुम बहुत ज्यादा अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो, अपने बारे में ज्यादा सोचते हो, तो बाहर की लाइफ चाहे सेट हो या ना हो, तुम्हारी अंदर की सोच और अंदर की मेंटालिटी डिफाइन करेगी कि तुम हैप्पी हो कि नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हारी बाहर की लाइफ से ही तुम्हें बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि तुम्हारी सेक्सुअल नीड्स सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तुम्हारी काम की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तुम्हारी सोशल लाइफ की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तुम्हारी लव एंड अफेक्शन की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, अगर तुम इस लेवल पे हो जहां पे तुम इन नीड्स को अभी तक काबू नहीं कर पाए हो, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं ला पाए हो, तो इधर से तुम्हारी हैप्पीनेस गिरेगी। क्योंकि हो सकता है तुम एक सक्सेसफुल इंसान हो पैसे के मामले में, क्योंकि तुमने वहां पर फोकस किया, काम किया, लेकिन तुम्हें चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे कोई एक इंसान हो जिसके साथ तुम इंटिमेसी शेयर कर सकते हो, जो तुम अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ नहीं कर सकते। तो चाहे तुम रिलेशनशिप में हो या ना हो, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, जहां पे तुम अपने लिए फाइंड आउट करते हो तुम्हें लाइफ में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और उसके मुताबिक तुम एडजस्ट करते हो, काम ज्यादा करना है या कम करना है, कम करके थोड़ी सोशलाइजिंग ज्यादा करनी है या क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो हैप्पीनेस वाला पॉइंट हो गया। हाउ टू बी सिंगल एंड हैप्पी, अगर मैं उसका जवाब दूं तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले चाहे तुम सिंगल हो या ना हो, अगर तुम्हारी लाइफ का पहला मकसद औरत है तो तुम नहीं खुश हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी एक आउटसाइड फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चाहे तुम सिंगल हो या तुम रिलेशनशिप में हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे लाइफ में एक मकसद हो, एक पर्पस हो, और तुम उस पर्पस के ऊपर काम कर रहे हो इन द स्टेट ऑफ वनवास, जिसके बारे में हमने बात करी हुई है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। आज मेरे को एक्चुअली वनवास की टी शर्ट पहननी चाहिए थी ये वीडियो बनाने टाइम। लेकिन जब तुम्हारा लाइफ का प्राइमरी फोकस कुछ और होता है बिसाइड्स अ वुमन, तो चाहे लाइफ में औरत हो या ना हो, पार्टनर हो या ना हो, गर्लफ्रेंड हो या ना हो, वाइफ हो या ना हो, तुम्हारे खुशी के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्राइमरी फोकस जिस तरह अर्जुन मछली की आंख को देखता था उस चीज के ऊपर होगा। और वो चीज होना ज्यादा जरूरी है इन द फर्स्ट प्लेस टू अट्रैक्ट विमेन एट ऑल। अगर तुम्हें कभी भी चाहिए कि लड़कियां तुम्हें अटेंशन दें, तो ये चीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी अपनी लाइफ के अंदर। ये चीज अगर नहीं हुई
एक प्राइमरी फोकस, एक मकसद, पर्पस जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो। तो अगर तुम सिंगल हुए तो भी तुम दुखी होगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा तुम्हारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। इंसानियत, ह्यूमन बीइंग की इंटरनल डिजायर होती है कि उसके जिंदगी का एक मतलब हो, कोई कारण हो उसके जीने के लिए। और वो कारण कुछ भी हो सकता है, एक हॉबी हो सकती है, एक काम हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है जिनके लिए तुम जी रहे हो, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको पालने के लिए। तो मकसद होना जरूरी है। और तुम में से मेजॉरिटी लोग यंग लोग हो जो शादी की उम्र में नहीं हो ऑब्वियसली, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम किसी एक चीज के ऊपर इतना फोकस्ड हो कि तुम्हारा लाइफ का प्राइमरी मोटिव सुबह जब उठते हो तो वो ख्याल आना चाहिए पहले। ये नहीं कि जिन लड़कियों को मैं मैसेज कर रहा हूं उनका जवाब आया कि नहीं आया, मेरी अगर गर्लफ्रेंड है तो क्या आज वो मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मुझे सेक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे सवाल नहीं होने चाहिए। तो चाहे तुम सिंगल हो या तुम रिलेशनशिप में हो, जो दूसरा सवाल था हाउ टू बी सिंगल, चाहे तुम सिंगल हो या तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि लाइफ का एक मकसद हो जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो। और उस मकसद में से अगर तुम पैसा भी कमा सकते हो तो और भी अच्छी बात है, वो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज हो जाएगी। जब तुम ये दोनों चीजें कंबाइन कर सकते हो, मतलब मकसद रखना चाहे तुम सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, और साथ में अपने बारे में और जानना ताकि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी आउटसाइड फैक्टर पर डिपेंड ना करे और इंटरनली ही तुम अपनी हैप्पीनेस को एडजस्ट कर सको, ये जब दो चीजें हो जाएंगी तब तुम मच्योर मैनहुड में आ जाओगे। और इसकी बात हमने करी हुई है यूनिवर्सिटी पे, फ्रीमैन यूनिवर्सिटी पे एक कोचिंग कॉल रिकॉर्डिंग है, सरहद का सबसे पावरफुल टूल आई थिंक उसका थंबनेल है, हाउ हैज एनीवन एवर हर्ट यू इमोशनली उसका शायद नाम है, लेकिन उस पे मैंने अपने क्लाइंट के साथ इस चीज की बात करी थी कि अपनी आत्मा के साथ बात करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के पास ऑलरेडी उन सवालों के जवाब हैं जो सवाल तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें तंग कर रहे हैं कि क्या मैं रिलेशनशिप में जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं ये चीज करूं या ना करूं, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं जब मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैं कौन सा जॉब लूं, मैं जॉब लूं या बिजनेस लूं, इन सारी चीजों के जवाब अगर तुम अपने आप को और अच्छे से जान सकते हो तो वो सारे सवाल लोगों के जवाब तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उसके लिए अपनी आत्मा से बात करना चाहिए। और मैंने उस कोचिंग कॉल रिकॉर्डिंग में बताया वो कैसे करना है। तो हाउ टू बी सिंगल, हाउ टू बी हैप्पी इज नॉट वन क्वेश्चन, सिंगल इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस, रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप, देखो फिर ये सवाल आता है कि क्या इसका मतलब कि औरत का लेना देना कुछ है ही नहीं हमारी जिंदगी में मर्द बन के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेचर में, कुदरत में सब कुछ डुअलिटी में एग्जिस्ट करता है, मेल फीमेल, प्लस माइनस, जीरो इंफिनिटी, हर चीज एक स्पेक्ट्रम पे सर्वाइव करती है। और अगर तुम आदमी हो, मतलब तुम एक जिंदा जीव हो, तुम एक इंसान हो, तो तुम्हारी जरूरतें होंगी, तुम्हारी नीड्स होंगी, और उन नीड्स का होना गलत बात नहीं है। अगर तुमने कोई पागलों की तरह मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं जिन्होंने तुम्हें बोला है काम करो काम करो काम करो और तुम सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो तुम अपनी जो नीड्स है ना उनको तुम रिप्रेस कर रहे हो, मतलब दबा रहे हो, और जितना उनको तुम दबाओगे उतना ज्यादा फटके वो गलत तरीके से और गंदे तरीके से बाद में लाइफ में निकलेंगी। क्योंकि हाँ, हमें पसंद है कि कोई हमारा कंपेनियन हो, हाँ हमें पसंद है कि कोई हो जिसके साथ हम इंटीमेट हो सकें, और हाँ ये भी बात है कि लड़कों को ये सिचुएशंस हैंडल करनी नहीं आती रिलेशनशिप्स वाली वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से उनके लिए रिलेशनशिप एक हेडेक बन जाती है। वो लड़की को खुश करने के पीछे गोल चक्करों में भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आज पहली बार गर्लफ्रेंड मिली है, कभी दोबारा नहीं मिलेगी, तो मैं इसको जितना खुश कर सकता हूं करूंगा, तो उनका प्राइमरी फोकस, प्राइमरी मकसद वो भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। वनवास वाला वीडियो देखो, तुम्हें समझ में आएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा था कि लड़के की, मर्द की, इंसान की जरूरत होती है सेक्स की, इंटिमेसी की, कंपेनियनशिप की, लव की। और अगर मैं एक लाइफ का ग्राफ लूं, ठीक है, मैं पेपर पेंसिल लाता हूं, ये देखो, अगर ये तुम्हारा लाइफ है, ये हो गया एज, ये हो गया टाइम, दिख रहा है तुम्हें? एक सेकेंड, या ये वाला ग्राफ हो गया एज, ये हो गया टाइम।
समझ लो तुम्हारे अलग अलग लाइनें हैं इस ग्राफ पे जो ऊपर जाएंगी, ठीक है, करियर का एक हो गया, रिलेशनशिप का एक हो गया, कोई भी एक हो गया, तो तुम चाहोगे कि उनकी एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो। अगर मैं काम लूँ तो काम भी तुम्हारा आगे चलते रहना चाहिए, रिलेशनशिप लूँ तो वो भी आगे चलती रहनी चाहिए, फैमिली लाइफ लूँ वो भी आगे चलती रहनी चाहिए। हर चीज को मैनेज करना, लर्न करना, एक्सपीरियंस करना जरूरी है ताकि हेल्थ भी ऊपर जाए, मतलब मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ एज वेल एज इमोशनल हेल्थ। मनी भी ऊपर जाए, मतलब काम, करियर, प्रोग्रेस। औरतों के साथ डील कैसे करना है, रिलेशनशिप के साथ डील कैसे करना है, दूसरे इंसान को समझना कैसे है, प्यार कैसे करना है, वो भी टाइम लेगा। तो अगर तुम चाहते हो इस चीज को बैलेंस करना, क्योंकि तुम्हारे पास, मैं मेरे मुताबिक तुम्हारे पास हर चीज की काबिलियत होनी चाहिए, चाहे तुम उस काबिलियत को यूज करो या ना करो, तुम्हारे पास वो काबिलियत होनी चाहिए। तो अगर तुम रिलेशनशिप्स को कंप्लीटली अवॉइड करोगे या लड़कियों को कंप्लीटली अवॉइड करोगे, फाइनली समझ लो 30 साल की उम्र पे तुमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा बना लिया और फिर तुम बोलते हो कि अब मैं रिलेशनशिप में आऊंगा क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, 30 साल की उम्र तक तुमने जीरो सीखा है औरतों के बारे में, जीरो सीखा है लव के बारे में, जीरो सीखा है सेक्स के बारे में, जीरो सीखा है कि दो इंसान साथ में कैसे तेलमेल करके जी सकते हैं, जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस, जीरो एक्सपीरियंस ऑफ रिलेशनशिप्स। जब फाइनली वो रिलेशनशिप तुम्हारी पहली वाली बनेगी, टूट जाएगी, फिर तुम दूसरा लाओगे टूट जाएगा, तीसरा लाओगे टूट जाएगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सिंगुलरली एक चीज पे इतना ज्यादा फोकस हो गया है, जो बुरी बात नहीं है। सिंगुलर फोकस छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए जरूरी होता है लाइफ में ताकि तुम कुछ उखाड़ सको, उसको टनल विजन कहता हूं मैं। लेकिन लाइफ जीने के लिए और एक मीनिंगफुल लाइफ होने के लिए बैलेंस की जरूरत है। एक साल समझ लो तुमने टनल विजन में काम कर लिया, ठीक है, 22 साल की उम्र पे, लेकिन 23 साल की उम्र में अगर तुम्हारे साथ कोई अफेक्शनेट हो रहा है, कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आ रही है जिसके साथ तुम्हें रहना पसंद आ रहा है, उसके साथ अगर तुम चीजें प्रोग्रेस करोगे, इसका मतलब यह नहीं है कि जो तुमने बनाया उसको छोड़ना पड़ेगा। लाइफ में जिस तरह हमारी उम्र बढ़ती है उतनी ज्यादा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना सीखना होता है, उतना ज्यादा हमें अलग अलग टाइप के एंड्स हमारी लाइफ के, मतलब पैसा, रिलेशनशिप, ये वो, उनको संभालना पड़ता है। अपने माँ बाप को देखो, जो गृहस्थ के स्टेज में, अगर तुम हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा पढ़ो तो सन्यासी, गृहस्थ, ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं एक मर्द की जिंदगी में। और गृहस्थ मतलब हाउस होल्डर, जो एक सोसाइटी में एक न्यूक्लियर फैमिली चला सके। कैसे चलाओगे तुम न्यूक्लियर फैमिली अगर आज तक तुम्हें सिर्फ पैसा बनाना सीखा है, लेकिन ये नहीं सीखा है कि एक औरत को किस चीज की जरूरत होती है जब कंपेनियनशिप की बात आती है। तो टू सम इट अप, ये सवाल का जो जवाब है न्यूट्रल है। हाउ टू बी सिंगल एंड हैप्पी, कोई सोल्यूशन, कोई फॉर्मूला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है जो हमें ऊपर ले जाने की जरूरत है, ताकि जब हम सिंगल हो तब भी हम हैप्पी हो सकें, जब हम रिलेशनशिप में हो तब भी हम हैप्पी हो सकें, जब हम काम कर रहे हो तब भी हम हैप्पी हो सके, जब हम रिलेशनशिप में हो तब भी हम हैप्पी हो सके काम के साथ। लाइफ में अपने आप को हर एरिया में फैलने से रोको मत, जितना फैलोगे उतना जिंदगी जी रहे हो तुम, जितना जिंदगी जियोगे उतनी ज्यादा रंगीन होगी। डन। Chucky got the sauce, bitch.